नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, फाइनली आप सबके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, वो निकल के आ रही है। सी टेट की जो आंसर की को लेकर दोस्तों, इसको लेकर फाइनल आंसर की का सभी स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनल आंसर की जारी होने की यहाँ पर डेट है दोस्तों, वो आ गई है। आप सबका इंतजार खत्म हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बोनस अंक कितने मिलेंगे, आपको कौन कौन से क्वेश्चन पर आपको बोनस अंक है वो दिए जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में, सारी अपडेट इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट से जरूर देखना दोस्तों। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को इधर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर आपको CTET की आंसर की बस इसके रिजल्ट व कट ऑफ से संबंधित पल पल की अपडेट वो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, CTET की जो फाइनल आंसर की है दोस्तों, वो अब जारी होनी है। आपकी प्रोविजनल आंसर की वो जारी कर दी गई है, और प्रोविजनल आंसर की में आप 21 फरवरी तक आपत्ति लगा सकते थे, 5 PM तक, यानी कि सुबह के शाम के 5 बजे तक। लेकिन दोस्तों, अब मैं बात करूं कि बोनस अंक कितने स्टूडेंट को यहाँ पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपरों में यहाँ पर दोस्तों 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्ति है, वो अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा लगाई गई है। और इनमें दोस्तों आपको 8 बोनस अंक मिलने की पूरी पूरी संभावना है, यानी कि पेपर फर्स्ट में आपको यहाँ पर 4 नंबर और पेपर सेकेंड में आपको 4 नंबर यहाँ पर दर्ज मतलब आपको मिल सकते हैं दोस्तों। ये है आपकी पूरी सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों। आपकी आपकी उसकी बात करूं फाइनल आंसर की, तो फाइनल आंसर की दोस्तों आपकी हम मान के चलिए 28 फरवरी तक, यानी कि अभी आपका स्कैनिंग का काम स्टार्ट हो गया है। 22 लाख OMR शीट को यहाँ पे स्कैनिंग की जाएगी दोस्तों, और जो क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे दोस्तों, उनके बोनस अंक हैं वो सभी कैंडिडेट को दिए जाएंगे। और आंसर की दोस्तों अगर बात करूँ आपकी आंसर की है दोस्तों, आपको 28 फरवरी से पहले ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी जो फाइनल आंसर की है, और रिजल्ट आपका मार्च के महीने में दोस्तों जारी किया जाएगा। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। आंसर की को लेकर जल्द ही आपकी जो आंसर की है वो आएगी, उसके बाद दोस्तों आप उसमें आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट के दोस्तों यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स से ऊपर नंबर हैं, उन तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपत्ति की बात करूँ, कितनी आपत्तियाँ हैं यहाँ पर लगाई गई हैं, तो दोस्तों 3 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर आपत्तियाँ लगाई हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी फीस है वो ज़्यादा थी, फिर भी कैंडिडेट ने आपत्तियाँ लगाई है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर उन्होंने दोस्तों 7 वर्ष के लिए यहाँ पर जो है CTET का डिप्लोमा उन्हें को मिल जाएगा, और वो कम सरकारी और प्राइवेट टीचर यहाँ पर बन पाएंगे। तो ये यार दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है आप सबके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाना दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आपकी CTET की आंसर की या रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट आएगी, फाइनल आंसर की को लेकर अपडेट मिल जाएगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।